तो हे गाइस, पुनीत इज बैक विद अनदर व्लॉग। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक नए हैंडीकैम का, जिसका टीजर भी मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले अपलोड किया था, जिसका नाम है AX43। तो जिन लोगों ने वो टीजर नहीं देखा तो वो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने उस पर कुछ प्राइजिंग भी पूछी थी कि क्या प्राइजिंग का ये हैंडीकैम्प है। वो सारी चीज़ें मैं इस मेरे वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऐसा हैंडीकैम्प है जो और किसी भी ब्रांड में इस टाइप के फीचर्स वाला हैंडीकैम्प आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे यूज़ की गई टेक्नोलॉजी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और वो केवल इसी हैंडीकैम्प में आपको मिलने वाली है। फिर ये हैंडीकैम मैं उन लोगों को ज़रूर रेकमेंड करना पसंद करूँगा जो लोग डे टू डे लाइफ के वीडियो शूट करना पसंद करते हैं, अपने घर के इवेंट शूट करना चाहते हैं और व्लॉग शूट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल सारे टाइप के फीचर्स इसमें ऐड किए हैं सोनी ने। इसके अंदर कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, ट्रैवलिंग के लिए आसान है, प्लस इसमें साथ में ऑडियो का भी सारा सोल्यूशन डाला है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इसके फीचर्स के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही में मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को। तो जब तक के लिए चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सब कुछ लॉकडाउन है, आप सभी लोगों को पता है, सब लोग अपने, मैं होप करता हूँ, सेफ होंगे घर पे और अपना अपना काम घर से ही कर रहे होंगे। अभी मैंने एक टेम्प्रेरी स्टूडियो रेडी किया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरे रूम पे मैंने बनाया है पूरा का पूरा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये मेरा टेम्प्रेरी स्टूडियो, ठीक है। और अब हम जानते हैं अबाउट हैंडीकैम के बारे में, राइट। मैंने इस वीडियो को चार पॉइंट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। तो जो कैमकॉर्डर है, हैंडीकैम है, ये ज़ाइस के ऑप्टिक्स के साथ में देखने को मिलेगा। जो मैक्सिमम सोनी के हैंडीकैम्स आते हैं या फिर कैमकॉर्डर्स आते हैं, उनमें सब में ज़ाइस के लेंसेज लगे होते हैं, जो कि इंटरचेंजेबल कैमराज नहीं होते हैं, उनके सब पे सोनी ज़ाइस के ऑप्टिक्स यूज़ करता है। इस वजह से जो क्वालिटी ऑफ कलर कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत अच्छा बना रहता है। फिर इसमें आपको जूम मिल जाता है अगर आप 4K शूट करोगे, क्योंकि ये 4K शूट कर सकता है। तो अराउंड इसके अंदर आपको जूम मिल जाता है 30x का 4K पे, 40x का फुल HD पे, और अगर आप डिजिटली जाएंगे, मतलब जिसमें थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा ख़राब होगा, वहाँ पे आप इसके अंदर 250x तक का जूम ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा जूम और काफ़ी अच्छी फोकल लेंथ दी हुई है। इसके बाद अगर मैं एक इंपॉर्टेंट फीचर की बात करूँ इस हैंडीकैम की, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है इसका बिल्ट इन गिम्बल वाला फीचर। तो इसमें बिल्ट इन गिम्बल मैकेनिज्म डाला गया है, जिसकी वजह से जब आप इसके मूव यूज़ करेंगे तो आपको बाकायदा इसका लेंस हिलता हुआ दिखेगा, इसके ऑप्टिक्स हिलते हुए दिखेंगे। यह आपको अराउंड 5 stops की स्टेबिलिटी देता है, तो जब आप वीडियो शूट करोगे तो बहुत ही स्टेबल वीडियो आपको इससे मिलने वाला है। 1/2 का सेंसर इसमें दिया गया है, तो बहुत ही डिसेंट सेंसर है अकॉर्डिंग टू कैमकॉर्डर। और इसके अंदर इस बार रेजोल्यूशन के हिसाब से 4K के साथ में फुल HD 60 फ्रेम और फुल HD 120 फ्रेम और टाइम लैप्स का ऑप्शन भी डाला गया है, जो आपके वीडियोस को और क्रिएटिव लुक और फ्लेक्सिबिलिटी देगा और डिफरेंट टाइप के शॉट्स लेने में। ये रेजोल्यूशन आपको इस हैंडीकैम में देखने को मिलेगा, विद जूम अच्छा मिलेगा और साथ में क्वालिटी भी अमेजिंग मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ सेंसर साइज भी बहुत डिसेंट डाला गया है। सेकेंड पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें डाला गया है, वो है इसके अंदर ऑडियो का सोल्यूशन। तो आप एक्सटर्नली इसमें माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाने का, बट अगर आप इसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगाना चाहते तो इसका जो इंटरनल ऑडियो है वो भी बहुत अच्छा है। आप अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा माइक्रोफोन दिया गया है, और ये जो माइक्रोफोन है ये इकलौता माइक्रोफोन है जो 5-in-1 चैनल के ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। ये सराउंडिंग साउंड टेक्नोलॉजी इसमें एड ऑन की है, जिस वजह से जो उसका ऑडियो है वो बहुत ही अमेजिंग है, आपको बहुत ही अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड करके देगा ये सराउंडिंग साउंड टेक्नोलॉजी के साथ में। सराउंडिंग साउंड टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है, जब आप अपने घर पे रहते हैं, आपके पास होम थिएटर है, तो जो सराउंडिंग साउंड वाला जो फील आता है मूवीज में, वैसा ही ये फील आपको इंटरनली रिकॉर्ड करके देगा। तो आप एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं, बाकी इंटरनल में इसमें ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये ऑडियो का मुझे बहुत अच्छा सोल्यूशन लगा। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको ऑडियो की क्लैरिटी सुनाता हूँ कि कितनी अच्छी है ऑडियो रिकॉर्ड करता है। तो अब हम लोग बटन दबाते हैं रिकॉर्डिंग का। तो अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है हैंडीकैम के अंदर, और आपको जो ऑडियो सुनाई दे रहा है वो डायरेक्ट हैंडीकैम का ऑडियो है। 5-in-1 चैनल वाला ऑडियो, सराउंडिंग साउंड वाला ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। आप देख रहे होंगे डिफरेंस जो मेरे लैपल के थ्रू आ रहा था और जो अभी राइट नाउ कैमरा में बिल्ट इन शूट हो रहा है। तो ऑडियो की क्वालिटी बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अमेजिंग मिलने वाली है, ये मुझे बड़ा एडवांटेज लगता है। फिर हम लोग बात करें अबाउट इसके अदर फीचर्स की, तो ये काफ़ी लाइट वेट है, ये हार्डली वे करता है
510 ग्राम्स का, तो काफी लाइट वेट है, ट्रैवल में बहुत सहूलियत होगी जब आप इसको यूज करोगे। जो इसकी डिस्प्ले है वो फुल्ली 360 डिग्री टिल्ट हो सकती है, लाइक दिस सामने की तरफ आ जाएगी बिल्कुल। तो आपको अपने व्लॉग शूट करने हो और कुछ शूट करना हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 360 डिग्री टिल्टेबल डिस्प्ले यानी वेरी एंगल डिस्प्ले का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी एंगल में इसको टिल्ट कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले में एक और बेनिफिट जो दिया गया है, ये फुल्ली टच स्क्रीन है, तो आपका जो सारा ऑपरेशन है वो ऑन टच होने वाला है। आपको स्क्रीन पे टच करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके जो फंक्शंस हैं वो काम करेंगे। आप अपने फंक्शन को चेंज कर पाओगे और गैलरी को देख पाओगे, गैलरी में अपनी फोटोज वीडियोज को देख पाओगे। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है फुल टच स्क्रीन प्लस 360 डिग्री आर्कुलेटेड डिस्प्ले का। अब हम लोग जानेंगे इसके चौथे और लास्ट फीचर के बारे में। इसमें आप पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो। 8.29 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है, तो अच्छी डिसेंट इमेज क्लिक हो जाएंगी। साथ में जैसे मैंने बताया, ये टाइम लैप्स भी शूट कर सकता है और रेजोल्यूशन के हिसाब से ये 4K और फुल HD 60 फ्रेम और 120 फ्रेम, ये सारे रेजोल्यूशन इसके अंदर दिए गए हैं। तो इसमें जो बैटरी बैकअप दिया गया, बैटरी जो दी गई है वो FE70 बैटरी दी गई है। जो बैटरी 1900 mAh की 1900 mAh की बैटरी है और अराउंड 1.5 घंटा आराम से चल जाएगी। आपका सारा दिन का शूट, अगर आप कैमरा को बंद चालू कर रहे हैं, तो आपका सारा दिन का शूट इस बैटरी के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स के साथ में ये हैंडी कैम्प आपको देखने को मिलने वाला है और ये बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो डेफिनेटली अपने एक ट्रैवल फ्रेंडली हैंडी कैम्प देख रहे हैं और जो लोगों को एक ऐसा हैंडी कैम्प चाहिए जैसे डे लाइफ के वीडियो शूट करने हो या फिर व्लॉग शूट करना हो। जैसे यूट्यूब व्लॉगर्स आजकल अपने वीडियो शूट करते हैं, तो उन सारे पर्पस में ये बहुत हेल्प आउट करने वाला है। अब अभी हम जंप करते हैं इसके टेस्ट फुटेज की तरफ जहाँ पे आप एग्जैक्टली इसकी टेस्ट देख पाओगे कि किस तरीके का परफॉर्मेंस इसने दिया, जूम कितना अच्छा था, कितनी दूर तक आप जूम कर सकते हो के ऊपर। इसके साथ में ही इसके जो बेनिफिट्स हैं लाइक टाइम लैप्स और वो सारे सैंपल भी मैंने इसे शूट किए हैं जो आपको दिखेंगे आगे वीडियो में। तो अभी हम जंप करते हैं सैंपल फुटेज की तरफ। तो ये है टाइम लैप्स के टेस्ट फुटेज जो मैंने इसे शूट किए थे और ये स्काई का मैंने टाइम लैप्स शूट किया था। उसके बाद मैंने एक वॉकिंग टाइम लैप्स शूट किया था, सिटीस्केप टाइम लैप्स शूट किया था, वो भी इससे बहुत ही अमेजिंग बन के निकला। 4K पे मैंने ये सारे टाइम लैप्स शूट किए थे। फिर ये इसका जूम टेस्ट है, इसमें अराउंड 250x का डिजिटल जूम मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा जूम है। आप देख रहे होंगे सामने जो बिल्डिंग है, हम उसकी तरफ जूम इन करते जा रहे हैं। एक्चुअली में उसका लोगो हम बिल्कुल साफ नहीं देख सकते, बट जब मैं पूरा जूम कर लेता हूँ तो आप एग्जैक्टली लोगो पे लिखा है गेल वो बिल्कुल प्रॉपरली देख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो इतना अच्छा जूम और इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके ये आपको देता है। फिर मैंने इससे कुछ B-roll शूट किए थे जिससे आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा पाएंगे, और जैसे कुछ हम सिनेमैटिक वीडियो शूट करते हैं बिकॉज ऑफ इसमें गिम्बल मैकेनिज्म है, तो कम से कम शेक इसके वीडियो में बनता है। और ये सारे वीडियोस मैंने हैंड हेल्ड शूट किए हैं, इसमें कुछ भी मैंने कलर करेक्शन नहीं किया है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पे आपको ये वीडियो दिख रहा है। कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक की थी जो कि 8.2 मेगापिक्सल पे शूट करता है, तो डिसेंट इमेज इसने क्लिक करके दिया। कलर बैलेंसिंग और डायनामिक रेंज इसने प्रॉपरली शूट करके दिया है। हाइलाइट्स और कलर्स में मुझे प्रॉपर इवन डिटेल्स देखने को मिली। फिर हम लोग चलते हैं इसके स्टेबिलिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसे मैंने बताया इसमें गिम्बल मैकेनिज्म है, तो ये मैंने एक्टिव स्टेबलाइजेशन को बंद करके शॉट लिया और आपने देखा होगा कितना शेकी फुटेज बनाए। फिर मैंने एक्टिव स्टेबलाइजेशन को ऑन करके ये शॉट लिया, काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूव कर देता है स्टेबिलिटी को और वीडियो की स्मूथनेस को। सो दैट इज इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा जो ये सेटअप है वो आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही मैं मन में कोई सवाल या सुझाव हो और भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।